त्वलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकुशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजना माता ने बाल हनुमान से कहा था कि तुम्हारे गुरु सूर्य भगवान होने वाले हैं। माँ की बात को सुनकर के हनुमान सीधे पुनः छलांग लगाते हैं सूर्य भगवान के पास पहुँचने के लिए। हनुमान जी के महत्ता को जान करके, उनके महत्व को जान करके सूर्य भगवान भी अपने किरणों को शीतल कर देते हैं और वे उन्हें अपने पास आने देते हैं। ध्यान रखना, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि बड़ों को भी ऐसा लगे कि वो मेरे पास आवे। सूर्य भगवान को लगता है कि हनुमान मेरे पास आवे। इस प्रकार का भाव बड़ों के अंतकरण में उसके लिए निर्माण होता है जो विनय संपन्न होता है, विनम्र होता है, अहंकारी नहीं होता है। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के पास जाकर के पहुंच गए और कहा कि आप मुझे पढ़ाएंगे, ये सोच करके मैं आया हूँ, आप मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। सूर्य भगवान ने कहा, भैया मैं तो सतत गतिशील हूँ, मैं तो निरंतर भ्रमण करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैं आपकी गति को रुकना नहीं चाहूँगा, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ साथ उतने वेग से चलता जाऊँगा और आप बोलते जाइए, मैं ज्ञान को ग्रहण करूँगा। हमें जब पढ़ने के लिए जाना होता है, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, अपनी शर्तें लगा करके ज्ञान नहीं मिलता है। सामने वाले की सुविधा को जान करके और उनके नियमों के अधीन होकर के जब हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहेंगे, तब जाकर के ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य भगवान के साथ, सूर्य भगवान के वेग से हनुमान जी महाराज चक्कर काटते हैं और उस समय सूर्य भगवान अपने भीतर के ज्ञान को उनके भीतर संक्रमित कर देते हैं। उनका उपदेश पाकर के हनुमान जी धन्य हुए। हनुमान जी ने व्याकरण शास्त्र का, समस्त वेदों का और कितने कितने दिव्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी, मैं आपको कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ, मैं आपको क्या अर्पण करूँ। हमारे देश के गुरु किसी भी प्रकार से अपने शिष्यों से अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। उनकी एक ही अपेक्षा होती है कि वे अपने जीवन का विकास करें और समाज के काम आ जाए, देश के काम आ जाए। लेकिन फिर भी शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरुजी के लिए कृतज्ञता की भावना से उन्हें कुछ तो भी गुरुदक्षिणा प्रदान अवश्य करें, यह भी शिष्य का धर्म है। इसलिए हनुमान जी ने पूछा कि गुरुजी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो, सूर्य भगवान ने एक बात कही, हनुमान मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाली का भाई जो सुग्रीव है वो मेरा पुत्र है, मेरी कृपा से उसका जन्म हुआ है और इसलिए सुग्रीव थोड़ा सा दुबला है, सुग्रीव उतना पराक्रमी नहीं है जितना बाली है, इसलिए मुझे एक वचन दे दो कि जीवन भर सुग्रीव के साथ आप रहेंगे, सुग्रीव का साथ देंगे, सुग्रीव को संभालते रहेंगे, योग्य समय पर सुग्रीव को योग्य परामर्श देंगे और उसके लिए एक उत्तम सन्मित्र होकर के अपना कार्य आप करेंगे। हनुमान जी ने इस बात को मान्य किया और गुरुदक्षिणा के रूप में यह मैं अवश्य जीवन भर प्रदान करता रहूंगा, ऐसा कह करके वहां से विदा होते हैं। मित्रों, आप देखेंगे रामकथा में सुग्रीव में अनेक दोष भी हैं, लेकिन जब हनुमान जी ने अपने गुरुजी को वचन दिया है कि मैं सुग्रीव के साथ रहूंगा, तो हनुमान जी ने इस वचन का पूरी तरह पालन किया और इसीलिए सुग्रीव के ऊपर वाली ने जब अत्यंत बड़ी आपत्ति लाई, जिसके कारण सुग्रीव को अपने घर का त्याग करके और कृष्ण पर्वत के ऊपर आश्रय लेना पड़ा, वहां पर भी हनुमान जी उनके साथ में पहुंचे और
सुग्रीव का साथ देते हुए हनुमान जी महाराज स्वयं उनका संरक्षण करते रहते हैं। उनके इस संरक्षण के क्रम में ही उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। कैसे? पकल देखें।